नर्वस कोऑर्डिनेशन पे एमडी कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आपने कंप्लीट अटेंड करना है और इस रिलेटेड को भी क्वेश्चन होगा तो एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम उसको डिस्कस करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर वन है, टैक्टेशन, गेस्टेशन, ऑल्फेक्शन एंड पेन रिसेप्शन और सेंसेशन डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग रिसेप्टर्स रिस्पेक्टिवली। अब देखिए आपको ये सारे के सारे जो टर्म्स ऊपर लिखे हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि वर्ड टैक्टेशन है, ये टच की जो सेंसेशन है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। गेस्टेशन जो टर्म यूज होता है ये टेस्ट के लिए होता है, और ऑल्फेक्शन जो होता है ये स्मेल के लिए होता है। तो ये टर्म्स भी पेपर के अंदर आती हैं। बाकी पेन आप जानते हैं, पेन रिसेप्शन भी है, तो आपने डिटेक्ट करना है कि किस तरह से प्रेजेंट। अब देखिए टैक्टेशन जो है, टैक्टेशन नीचे आपको तीन रिसेप्टर्स दिए हैं, मैकेनोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर, नॉसिसेप्टर। तो टैक्टेशन में गेस्टेशन, ऑल्फेक्शन, तो टैक्टेशन के लिए मैकेनोरिसेप्टर्स है, गेस्टेशन और ऑल्फेक्शन टेस्ट और स्मेल इसके लिए कीमोरिसेप्टर है, और पेन रिसेप्शन जो है इसके लिए नॉसिसेप्टर है। तो हमारे पास जो करेक्ट इसमें आएगा वो अल्फा जो अरेंजमेंट है वो करेक्ट आएगा, जिसमें आपको ये तीनों के तीनों रिसेप्टर्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो मिल रही है। तो ये इसके अंदर जो अल्फा है वो करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर टू इज, द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिबेलम और डायनसेफलम। अब ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि ब्रेन के पार्ट हैं, लेकिन थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है ये किस जगह पर लोकेटेड होते हैं? एक तो हमें पता है कि ये फोर ब्रेन के अंदर है, लेकिन स्पेसिफिकली जो इनके लिए वर्ड यूज होता है दोनों के लिए दैट इज कॉल्ड द डायनसेफलम। अब देखिए यहाँ कुछ टर्म्स हैं। पहली बात की वर्ड जो सेफलन यूज होता है, ये याद रखना है कि जब भी वर्ड सेफलन यूज होगा तो ये वर्ड ब्रेन के लिए यूज होगा। अब हमारे पास कुछ टर्म्स लाइक, सबसे पहले आप जानते हैं ब्रेन का एक पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम कहते हैं प्रोजेनसेफलन, और दूसरा जो है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के लिए टर्म यूज होती है मीजन सेफलन। ये सारी के सारे टर्म्स आ सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो हाइंड ब्रेन का है, और हाइंड ब्रेन के लिए जो टर्म यूज होती है उसको हम कहते हैं रोम्बिन सेफलन। एक तो ये तीनों जो नेम्स है, सेकंड नेम्स है, इनको याद रखना। अब देखिए जो प्रोजेन सेफलन है यानी कि फोर ब्रेन है, इसके आगे फर्दर दो पार्ट जो है वो आपको मेनली मिलते हैं। इसके अंदर एक टीलन सेफलन है और एक जो है वो डायन सेफलन। अब इन दोनों में फर्क ये होता है, स्पेसिफिकली जो टीलन सेफलन है ये सेरिब्रम का पार्ट होता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो एंटीरियर पार्ट है वो टीलन सेफलन। डायन सेफलन जो होता है इसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पार्ट आते हैं। जैसा कि यहां पर हमारे पास टर्म है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये किस पार्ट के अंदर लोकेटेड है, तो ये डायनसेफलन के अंदर लोकेटेड है, तो ये इस वजह से डायनसेफलन आपको पार्ट मिलेगा। एक यहाँ पर टर्म यूज है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? ब्रेन स्टेम में आपके पास मिड ब्रेन आता है प्लस मेड्यूला प्लस पॉन्स, ये तीनों मिलकर जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, द फैक्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस आर कॉल्ड ग्लैंड्स ओनली, मसल्स ओनली, बोन्स, बोथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये दोनों के दोनों मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं वो अफेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जो मसल्स होते हैं आप जानते हैं कि इसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक इसमें स्केलेटल मसल आ जाएगा और इसके अलावा इसमें स्मूथ मसल्स आ जाएगा और इसके अलावा इसके अंदर कार्डिक मसल्स आ जाते हैं। और जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स आप जानते हैं सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करनी है और कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में दो हमारे पास जो है यहाँ पर वेरिएशन है। देखिए अगर तो हम स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्यों आएगा? क्योंकि ये एक वॉलंटरी अफेक्टर है, वॉलंटरी अफेक्टर, और ये आपके सामने जो तीनों बाकी बचे हैं ये आ जाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाएंगे। ये भी डिफरेंस आ सकता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, ये इनवॉलंटरी अफेक्टर्स हैं, इस वजह से इसके अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है वो मिलता है जी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये मैंने भी आपको डिटेल में बता दिया।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है। ऊपर वाले तीनों जो लिखे हुए हैं ये इनवॉलंटरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हिच न्यूरॉन्स आर रेयरली फाउंड, बाईपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर और पोलर। तो इसके अंदर जो रेयरली होते हैं वो बाईपोलर होते हैं। बाईपोलर जो है ये रेयरली ये रेटिना ऑफ आई में होते हैं जो कि समटाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, और ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए यूनिपोलर न्यूरॉन की तो यूनिपोलर आप यूज करते हैं सेंसरी न्यूरॉन के लिए टर्म, या इसको सुडो यूनिपोलर भी कहते हैं, सुडो यूनिपोलर। मल्टीपोलर जो वर्ड यूज होता है ये मोटर न्यूरॉन के लिए वर्ड यूज होता है। इसके अलावा इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसा कि मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउट जाएगा, अफेक्टर्स की तरफ मैसेज लेके जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है इफरेंट एफरेंट। और जो इंटर न्यूरॉन है उसको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो वर्ड यूज करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज आउटर मीनिंग्स ऑफ ग्रेन और पॉन्ड, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ड्यूरा मैटर, अरिकनॉइड मैटर, पिया मैटर और ग्रे मैटर। तो सबसे बाहर वाली को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, ये आउटर मोस्ट है। अरिकनॉइड जो होती है ये मिडल होती है, और पिया मैटर जो है ये इनर मोस्ट होती है, इनर लेयर है। लेकिन अगर ग्रे मैटर की बात की जाए ये इनर रीजन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी आप जानते हैं रीजन दो होते हैं व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है, ग्रे मैटर जो है वो अंदर की तरफ होता है। अब सवाल यहां पर समटाइम ये भी आ जाता है कि जो सीएसएफ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये कौन सी मेनिंजेस के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो याद रखने हैं कि ये प्रेजेंट होता है बिटवीन अरेक्नॉइड जो कि मिडल है और साथ पिया मैटर जो कि इनर मोस्ट है, उनके दरमियान जो है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, या फिर इसकी लोकेशन जो है वो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में भी होता है, ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल है वहां पर भी सीएसएफ होता है। तीसरा अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट हो सकता है सेंट्रल किनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये इन जगहों पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है और जर्क अब्सॉर्बर का काम भी करता है। सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइनैप्स, साइनैप्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। केमिकल हेल्प्स इन पासिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द साइनैप्स, ये तो करेक्ट है। एज साइनैप्स कैन ओनली बी फाउंड बिटवीन टू न्यूरॉन, ये सिर्फ दो न्यूरॉन के दरमियान नहीं बनता, ये न्यूरॉन और मसल सेल के दरमियान भी बन सकता है और एक ही न्यूरॉन के दरमियान भी बन सकता है। बाकी देख लेते हैं, चार्ली है साइनैप्स हेल्प्स इन डिलीवरिंग द मैसेज फ्रॉम द न्यूरॉन टू मसल, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज कन्वर्टिंग टू केमिकल सिग्नल, ये भी सही है। इसका मतलब है कि बीटा करेक्ट नहीं है। तो मैंने जैसे बताया कि साइनैप्स जो है अब ये कैसे कैसे बन सकता है, मैं आपको बताया यहाँ पर ये बिटवीन टू न्यूरॉन्स भी बन सकता है, ये बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल सेल भी बन सकता है, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और एक टर्म यूज होती है अटैप्स। अब ये जो अटैप्स है ये ऐसा हमारे पास साइनैप्स है दैट इन द सेम न्यूरॉन, एक ही न्यूरॉन के दरमियान भी, उसके एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान भी साइनैप्स बन सकता है, जिसके लिए वर्ड हम अटैप्स यूज करते हैं। तो ये इसमें आपने याद रखना है, बहरहाल सिर्फ दो न्यूरॉन के दरमियान बनेगा ये गलत है। एट्स क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंशिएट डेंड्राइट्स फ्रॉम द एक्सॉन, डेंड्राइट्स आर शॉर्टर देन द एक्सॉन, डेंड्राइट्स आर मोर इन नंबर देन द एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी व्हेयर एज एन एक्सॉन कैरीज इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, इन्फॉर्मेशन इन एक्सॉन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हाइल द इन्फॉर्मेशन इन द डेंड्राइट्स इज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, उनको डिफरेंशिएट करेगा। तो इसके लिए जो करेक्ट है वो चार्ली है, क्योंकि एक्सॉन और डेंड्राइट में उसके सिग्नल को कन्वे करने का डिफरेंस होता है कि डेंड्राइट्स होते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी और एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। हाँ, डेंड्राइट्स शॉर्टर देन एक्सॉन हमेशा ऐसा नहीं होता, डेंड्रॉन भी आपने पढ़ा हुआ है, वो लॉन्गर भी हो सकता है। सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर डेंड्रॉन बड़ा होता है, एक्सॉन छोटा होता है, मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन बड़ा होता है और एक मीटर लेंथ भी उसकी हो सकती है। तो यहां पर ये याद रखना है कि इनका डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस को कन्वे करने में डिफरेंस होता है। नाइन्थ पॉइंट, व्हाट चैनल प्ले ए रोल इन द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनैप्टिक क्लेफ्ट, बोथ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम एंड सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स।
तो जो रोल होता है साइनेप्स में न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करवाने में वो होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स का। और ये आपने पढ़ा था लेक्चर के दौरान कि यहाँ आप जानते हैं कि जो साइनेप्टिक लोब होती है, अब ये साइनेप्टिक लोब है और इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर, ये आपको साइनेप्टिक वेसिकल्स मिलते हैं और इनके अंदर जो है हम जानते हैं कि हमें मिलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब इसी वजह से जो सिग्नल है वो हमेशा एक्सोन से डेंड्राइट की तरफ जाता है क्योंकि एक्सोन एंडिंग के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल बनते हैं और वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। लेकिन अब फिनोमेना स्टार्ट ये होता है कि जैसे ही इंपल्स यहाँ आएगी एट द न्यूरॉन एंडिंग या एक्सोनल एंडिंग पे, यहाँ पे नर्व आगी और नर्व कैसे आप डिटेक्ट करते हैं, इन साइड बिकम मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड, सो इट मीन्स के नर्व यहाँ पर आ गई। अब साथ ही यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये गेट्स हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम यहाँ से अंदर जाएगी और जैसे ही कैल्शियम साइनेप्टिक लोब के अंदर जाएगी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टिमुलेट करेगी जिसके रिजल्ट में न्यूरोट्रांसमीटर जाके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और एक्सोसाइटोसिस के रिजल्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे उनको उस क्लेफ्ट के अंदर जो है वो रिलीज कर देगा। और ये जो रिलीज करता है, जैसे मैंने आपको भी कहा कि ये एक्सोसाइटोसिस के रिजल्ट में रिलीज कर देता है। सो देयर इज द रोल ऑफ कैल्शियम। और कैसे कैल्शियम अंदर जाती है, जब वो चैनल यूज हो गया है इसका मतलब है कि कैल्शियम अंदर जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाएगी। सो इसके अंदर डेल्टा जो है वो करेक्ट है। 10th नंबर, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस और सिंथेसिस। तो ये आप जानते हैं कि जो रिलीज होगा, अभी मैंने आपको बताया, एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होगा। 11th क्वेश्चन, Nissl's granules are the group of endoplasmic reticulum associated with the ribosomes, lysosome, group of ribosomes associated with the smooth endoplasmic reticulum and Golgi, group of ribosomes associated with the rough endoplasmic reticulum and Golgi, group of lysosome with ER. So Nissl's granules jo ke neurons ke andar hote hain usme group of ribosomes associated with the rough endoplasmic reticulum and Golgi bodies. Iske andar ye char likha hai. Number 12. Which one of the following is 1 meter long? Axon, dendrite, cell body or neurons? अब आप जानते हैं कि 1 meter long जो होता है वो axon होगा। और अगर हम इसको मज़ीद specific कर लें तो axon of the motor neuron। ये motor neuron का axon जो है वो lengthy होता है। अब देखें different types of जो neuron होते हैं, आपने उसका पढ़ा था। तो sensory neuron होता है, उसमें simply जो longer part होता है, ऐसे ये cell body और ये axon। एक्सोन की निशानी आपको मैंने बताई थी कि उसके अंदर टिप्स होती हैं एंड पे, तो इसका मतलब है ये तो होगी सेल बॉडी और ये जो है वो डेंड्रॉन है क्योंकि एक सिंगल फाइबर है और लॉन्ग आपको मिलता है। अब ये वाला एक्सोन है, देखिए अब एक्सोन सेंसरी न्यूरॉन का एक्सोन शॉर्ट है और ये एक्सोनल टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि टर्मिनल अगर होंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्सोन है। अब आप जानते हैं कि इसके बाहर शिवॉन सेल, देखिए डेंड्राइट के बाहर भी शिवॉन सेल्स हो सकते हैं, माइलन शीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक्सोन के बाहर भी होंगे। ये तो हो गया सेंसरी न्यूरॉन। इसमें आप देखें डेंड्रॉन लॉन्ग है और एक्सोन शॉर्ट है। लेकिन जब आप बात करते हैं मोटर न्यूरोन की, जिसको आप इफरेंट न्यूरोन भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। उसका जो एक्सोन होता है वो लंबा होता है लाइक दिस, ये एंड टर्मिनल मैंने यहां बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर भी बाहर की तरफ माइलन शीट और शिवॉन सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, ओके। तो इसमें देखें डेंड्राइट्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये आपको एक्सोन मिल रहा है और इसका एक्सोन जो होगा वो लॉन्ग होगा। अब इसमें इसी वजह से इसको मल्टीपोलर कहते हैं क्योंकि सेल बॉडी से बहुत सी जो अपेंडिजेस अराइज होती हैं। लेकिन जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटर न्यूरॉन को, वो मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो एक्सोन होता है वो बहुत बारीक होता है, ये लाइक मैं कहता हूं दिस इज द इंटर न्यूरॉन। अब कैसे आइडेंटिफाई किया, एक तो इसमें जो एक्सोन है वो बहुत थिन है, ओके, और दूसरा यहां पर शिवॉन सेल नहीं होंगे, नो शिवॉन सेल्स। तो ये आपने इस पर लिखा क्योंकि जो इंटर न्यूरॉन होते हैं दे आर नॉन माइलिनेटेड, ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो ये आपको यहां पर इनमें डिफरेंस जो है वो मिलता है और ये आपने याद रखना है। 13th नंबर क्वेश्चन है,
Primary function of myelin sheath around the vertebrate axon regulates sodium potassium pump, increase in the speed of conduction, increase in the size of action potential, deactivate the release of neurotransmitter. तो जो शिवोन सेल्स होते हैं ये इंसुलेटर का काम करते हैं जिसकी रिजल्ट में कंडक्शन तेज हो जाती है. तो आप जानते हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनमें स्पीड तेज होती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, सो दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए कंडक्शन. 14th नंबर, मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द पेरिफेरल सिनैप्स इज एसिटाइलकोलीन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑल. आप जानते हैं कि जो आउटसाइड द सीएनएस या पेरिफेरल सिनैप्स के अंदर एसिटाइलकोलीन का सबसे कॉमन ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और बाकी ये दो दोनों लिखे हुए हैं ये CNS के अंदर होते हैं, इनसाइड द CNS. लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है या इसको हम लिख सकते हैं आउटसाइड द CNS, तो ये एसिटाइलकोलीन होगा. 15th क्वेश्चन है, व्हेन यू लुक एट एन इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन व्हाट यू सी द मोस्ट इज अ लार्ज हाईली कन्वोल्यूटेड आउटर सर्फेस. दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेड्यूला, सेरिबेलम और रेटिकुलर सिस्टम. तो सबसे जो आउटर पार्ट होता है जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, दैट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, ये सबसे बाहर की तरफ सेरिब्रम का आउटर पार्ट होगा. 16th नंबर जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, बोथ ए एंड बी. तो आप जानते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, दैट इज अ सिस्टम ऑफ नर्व्स जिसमें स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रैनियल नर्व्स होती हैं. और आप जानते हैं कि स्पाइनल नर्व्स जो है वो 31 पेयर्स होते हैं एंड दे आर ऑल मिक्स्ड, ये सारी की सारी मिक्स्ड हैं. और जो क्रैनियल नर्व्स हैं इसके 12 पेयर्स होते हैं, और ये 12 पेयर्स जो हैं ये सेंसरी भी हो सकते हैं, ये मोटर भी हो सकते हैं और ये मिक्स्ड भी हो सकते हैं. इनके नंबर्स भी हैं, जब आप इनके नंबर देखते हैं कि कौन कौन से सेंसरी हैं, कौन कौन से मोटर हैं, कौन कौन से मिक्स्ड हैं, इवन ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है. अगर आप सेंसरी की बात करें तो सेंसरी में आपको जो है वो कुछ इसके अंदर सेंसरी में मिलेंगी, कुछ मोटर में मिलेंगी, कुछ मिक्स के अंदर मिलेंगी, तो इनके अंदर डिफरेंशिएशन भी आपको जो है वो मिलती है. अब जो मिक्स नर्व है उसके अंदर दोनों तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी भी होती हैं और मोटर भी होती हैं. और जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसके अंदर भी डिफरेंट जगहों से राइज होती हैं, यानी उसके अंदर डिवीजन है 31 के अंदर, यानी उसमें सबसे पहले आपको जो है वो सर्विकल मिलती हैं, फिर थोरेसिस मिलती हैं, फिर लुम्बर मिलती हैं, फिर सैक्रल मिलती हैं, फिर कॉक्सोजियल मिलती हैं. ठीक है, 8 सर्विकल होती हैं, 12 जो होते हैं वो आपको थोरेसिस मिलती हैं, 5 लुम्बर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सोजियल. तो ये इसके अंदर जो अरेंजमेंट है ये भी आपने यहाँ पर याद रखनी है. 17th question है, activities like riding a bicycle, drawing sketches, playing sport requires controlled and precise movement of the body part. Which part of the brain controls such precise body movement? अब जितनी भी body के अंदर balancing है या जो आपका posture है body का, वो सारे का सारा cerebellum जो कि hind brain का part है ये control करता है. Bicycle को ride करना, work with the hand, तो ये इसके अंदर body के अंदर coordination required होती है. ये activities जो है वो cerebellum जो है वो control करता है. 18th question है, which part of your brain is currently performing the function of thinking as you answer this question? So thinking से जो cerebrum आएगा और वो आप जानते हैं forebrain का part होता है, जिसमें thinking, reasoning, judgment, problem solving ability ये सारी की सारी forebrain और उसमें से cerebrum ने control करनी है. 19th question है, lateral ventricle, first and second of the brain located between the limbic system and cerebrum, cerebellum and cerebrum, limbic system and thalamus or in the brain stem. तो अब जो पहले दो वेंट्रिकल होते हैं जिसको लिटरल वेंट्रिकल कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम. जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 4 जो है वो वेंट्रिकल होते हैं, पहले दो तो यहाँ पे हो गए और जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, यानी बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड थैलमस. और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये चारों के चारों जो वेंट्रिकल है आपको इनकी लोकेशन का पता चल गया. Hole in the bottom of skull where spinal cord continues with the medulla. Spinal cord आप जानते हैं medulla के साथ coordinate करता है. या हम कह सकते हैं medulla is the part of the brain that lies on the top of the spinal cord जो उसके साथ communicate करवाता है. तो वो कहाँ से गुजरता है? हम देखते हैं कि skull के अंदर जो occipital bone होते हैं उसके अंदर एक hole होता है. उसको कहते हैं foramen magnum. तो याद रखने कि ये एक hole है that is in the occipital bone. Occipital bone जो होती है ये हमारे back of the head होती है. इससे coordinate कर रहा होता है. 21. Which of the following is a correct sequence of events that follows a threshold stimulus? कौन सा सीक्वेंस है? चार पॉइंट आपके पास दिए गए हैं. The membrane become depolarized, sodium channels open and sodium ions diffuse inward. The membrane become repolarized, potassium channels open and potassium ions diffuse outward.
अब देखें इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसमें देखें, सबसे पहले तो स्टिमुलस आता है। अब जैसे स्टिमुलस आता है तो सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं और सोडियम आइंस जो है वो अंदर चले जाते हैं, और जैसे सोडियम आइंस अंदर जाएंगे तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, और जब वो डीपोलराइज होगी तो उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन होती है जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम डिफ्यूज आउटवर्ड, और उसके बाद फिर जो मेम्ब्रेन है वो रीपोलराइज होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है सीक्वेंस बना सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4 एंड 3, 2, 1, 4, 3, तो ये आपको मिल रहा है बीटा के अंदर 2, 1, 4, 3। अब देखिए सिंपली क्या है, जैसे यहाँ आपने एक जो है वो ग्राफ पढ़ा था उसमें से ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपसे पूछे गए हैं। लाइक देखें ये तो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये तो स्टेट जो है इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जैसे यहां स्टिमुलस आएगा तो स्टिमुलस के आने से यहां अब नंबर 1 पे क्या इवेंट आया, हियर इज द स्टिमुलस, और स्टिमुलस बी देयर शुड बी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब जैसे आएगा तो ये डीपोलराइज स्टेट में आ जाएगी, तो यहां सेकंड पॉइंट पे क्या हुआ है, यहां सोडियम गेट्स जो हैं वो ओपन हो गए, और जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो सोडियम अंदर की तरफ डिफ्यूज करती है जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो चेंज होता है और इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद वापस, क्योंकि ज्यादा देर के लिए स्टेट नहीं आती, फिर वापस जाती है। इस दौरान क्या होता है, सोडियम गेट्स अब क्लोज हो जाते हैं और इस दौरान जो पोटेशियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इस स्टेट को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, और यहां से फिर ये एक दफा हाइपरपोलराइज स्टेट के अंदर भी जाती है, हाइपरपोलराइजेशन, और फिर से ये पोलराइज स्टेट के अंदर आ जाती है, और यहां पर जो इवेंट आता है दैट इवेंट इज कॉल्ड रिकवरी, इसको रिकवरी कहते हैं। तो ये थर्ड स्टेज रीपोलराइजेशन होगी, फिर हाइपर पोलराइजेशन में चले जाएगा और फिर से वापस पोलराइजेशन में चले जाएगा। तो इस तरह से इवेंट इसके अंदर आते हैं और कहां पे क्या हो रहा है ये आपने लाजमी याद रखना। अब रिकवरी के अंदर क्या होता है, रिकवरी में एक्टिवेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स, सोडियम और पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाते हैं, दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी हो रही होती है, तो उस दौरान फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन हो जाता है। 22 नंबर है, द मिड ब्रेन कॉन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और हाउ स्टिंग, ये ऊपर मैं आपको बता के आया हूं कि ये तीनों पार्ट जो है ये ब्रेन स्टेम के अंदर होते हैं या ओवरऑल ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं। 23rd जो एमसीक्यू है, द टर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेफर्स टू ऑटोनॉमिक एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आप जानते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमें पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर आप कह सकते हैं। तो दूसरा जो नर्वस सिस्टम है जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं पीएनएस, इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं। हम जानते हैं कि इसमें सेंसरी न्यूरॉन इसका पार्ट है और मोटर न्यूरॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्ट है, क्योंकि इसने पेरिफ्री को सेंटर के साथ कम्युनिकेट करवाना है। लेकिन अगर हम बात करें इंटर न्यूरॉन, तो हम जानते हैं कि इंटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं वो कौन सा न्यूरॉन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और वो है इंटर न्यूरॉन, तो ये भी आपने इसमें जो याद रखना है। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, एसिटाइल कॉलोनी स्ट्रेस इज द न्यूरोट्रांसमीटर, एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द न्यूरोट्रांसमीटर, स्टिमुलेंट दैट ट्रिगर्ड एन एक्शन पोटेंशियल और ए हार्मोन। तो ये एक एंजाइम है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को एसिटाइलकोलीन को ब्रेक करेगा। उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि देखें जब एसिटाइलकोलीन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और एक दफा वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो डिग्रेड करने होते हैं, तो उसकी डिग्रेडेशन के लिए एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एक एंजाइम होता है जो कि उसको डिग्रेड करता है ताकि बार बार वो उस स्टिमुलस को जनरेट ना करें या वो उसको ट्रिगर ना करें। तो क्योंकि हर दफा जब नर्व आनी होती है तो अगेन न्यूरोट्रांसमीटर बार बार रिलीज होने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 25th क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस एंड अदर प्राइमेट्स हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरिब्रम आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्स कॉल्ड द पोन्स, नर्व नेट, कॉर्पस कॉलोसम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। कॉर्पस कॉलोसम जो है वो दोनों हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करवाएगा। 26th क्वेश्चन है, Which of the following brain layer, meninges, yes, को singular meninx कहते हैं, is present next to the cranium? अभी मैंने इससे पहले आपको ये इसका order बताया था कि सबसे बाहर की तरफ dura mater है, middle में arachnoid mater है और सबसे अंदर की तरफ जो layer है वो pia mater है। तो next to cranium, cranium सबसे बाहर होती है, तो cranium के अंदर जो होगी वो dura mater होगी। लेकिन अगर आ जाए next to the brain tissues, तो फिर pia mater जो वो correct आएगा, लेकिन यहाँ पर dura mater है और उसकी जो order है वो मैं आपको ऊपर एक MCQ के अंदर बता चुका हूँ।
27वां है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज इन द ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर, क्रेनियम एंड ड्यूरा मैटर। ये भी ऊपर एमसीक्यू में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि सीएसएफ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर, यानी मिडिल और इनर लेयर के दरमियान होता है, साथ वेंट्रिकल्स में भी होता है ब्रेन के, और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है। 28 नंबर है, एन इंजरी सस्टेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू इंटरप्ट कोऑर्डिनेटिंग ड्यूरिंग लोकोमोशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द डिसीजन मेकिंग, या एग्जैक्टिव फंक्शन जो डिसीजन मेकिंग के होते हैं उसके अंदर यूज होगा। तो आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के जो रोल है उसमें ऑस्मोरेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन है, वाटर बैलेंस है, और स्लीप वेक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंट्रोल करता है। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगी वो है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेशन उसकी इफेक्ट होगी। जी 29th है, दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द इमोशनल ब्रेन, एपिथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ब्रोकस एरिया और कॉर्पस कैलोसम। तो जो इमोशन से रिलेट करता है वो लिम्बिक सिस्टम है, जिसमें पनिशमेंट है, हैप्पीनेस है, सेक्सुअल अरोसल है, स्पेशली इसके अंदर अमिगला का जो पार्ट है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ब्रोका एरिया जो है दैट इज रिलेटेड टू स्पीच, तो ये भी आ सकता है कि स्पीच से कौन सा पार्ट रिलेट करता है। नंबर 30 इज एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी इंपल्स फ्रॉम CNS टू मसल्स, CNS टू रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स टू CNS और एफेक्टर ऑर्गन्स टू CNS। तो जो एफरेंट है ये कौन से न्यूरॉन के लिए वर्ड यूज हो रहा है? अभी हमने पीछे से बात की सेंसरी न्यूरॉन के लिए वर्ड यूज होता है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, रिसेप्टर से CNS तक सिग्नल लेके जाएंगे। जी 31 है, विच ऑफ दिस फंक्शन विल बी इफेक्टेड इफ द मेडुला ऑब्लिगेटा इज डैमेज, VN, थर्मोरेगुलेशन, मेमोरी और ब्रीदिंग। तो आप जानते हैं कि मेडुला ऑब्लिगेटा का जो रोल है वो डिफरेंट जो इनवॉलंटरी एक्शन है, इसमें ब्रीदिंग है, इसके अलावा हार्ट बीट है, इसके अलावा स्वेलिंग है, ये तमाम जो बेसिक फिनोमेनास हैं बॉडी के उनको मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। 32, रिलीज ऑफ बाइल इज स्टिमुलेटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब रिलीज ऑफ बाइल का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि बाइल क्या करता है, बाइल का डाइजेशन के अंदर रोल है। तो अब ये देखना है कि डाइजेशन को प्रमोट कौन सा नर्वस सिस्टम करेगा, किस नर्वस सिस्टम में डाइजेशन इनहिबिट होगी, किस नर्वस सिस्टम में डाइजेशन प्रमोट होगी। तो आप जानते हैं कि जब हम रेस्ट और रिमिनेशन के अंदर होते हैं तो उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसको सिंपली स्केलेटल मीनिंग हम ये भी यूज करते हैं, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम वर्ड यूज करते हैं फाइट एंड फ्लाइट। तो इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जब फाइट एंड फ्लाइट होती है तो इसमें डाइजेशन रुक जाती है, डाइजेशन इनहिबिटेड। और जब डाइजेशन इनहिबिट होती है तो क्या क्या चीज इनहिबिट होती है हम जानते हैं, ये भी आ सकता है कि इनहिबिट द सेलिवेशन, सलाइवा की प्रोडक्शन भी इनहिबिट होती है, इसके अलावा पेरिस्टॉल्सिस जो है ये भी इनहिबिट होती है, बाइल की प्रोडक्शन वो भी इनहिबिट होती है, लेकिन जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के अंदर डाइजेशन प्रमोट हो जाती है, तो इस वजह से जिसमें डाइजेशन प्रमोट होगी वो पैरासिम्पैथेटिक, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी रिकवरी स्टेट के अंदर आ जाता है। 33 है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखिए अगर ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? आप जानते हैं कि इसके रिजल्ट में जो ब्रीदिंग है वो रिड्यूस हो, क्योंकि अगर डायलेट करेंगे तो ब्रीदिंग बढ़ेगी। तो अब ब्रीदिंग अगर बढ़ेगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेकिन क्योंकि ब्रीदिंग इसके अंदर रिड्यूस हो रही है इसी तरह से इसके अंदर ये आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी इसके अंदर वापस उसको रिकवर करना है, ब्रीदिंग रेट को रिकवरी में लेके आना है, तो ब्रोंकियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ब्लैडर से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ब्लैडर के अंदर कंट्रोल कम ज्यादा होता है। देखिए ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन भी आती है और ब्लैडर जो है वो रिलैक्सेशन में भी जाता है। अब किस सूरत में कंट्रोल होता है? अगर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लैडर तो हम यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूरिनेशन को कंट्रोल जो करते हैं ये आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, और जब ब्लैडर रिलैक्स करता है यानी कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, यानी जिसके अंदर ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34th है, vagus nerve is not associated with the flow of saliva, stimulation of the peristalsis, regulation of heartbeat, inhibition of the peristalsis. अब यहाँ सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि vagus nerve जो है ये
कौन सी नर्व है? वेगस नर्व जो है ये 10th क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। तो इसका मतलब है कि अगर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो गई हैं तो इट मींस के ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, क्योंकि सिंपैथेटिक डिवीजन में तो सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स नहीं इन्वॉल्व होना है, और इसका मतलब है पैरासिंपैथेटिक डिवीजन है। तो पैरासिंपैथेटिक डिवीजन में कौन सी चीज एसोसिएट नहीं करती? फ्लो ऑफ सलाइवा करता है, क्योंकि सलाइवा फ्लो करेगा, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक के अंदर डाइजेशन होनी है, पेरिस्टाल्सिस भी होगी, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। यस, पेरिस्टाल्सिस इनहिबिट नहीं होगी, पेरिस्टाल्सिस प्रमोट होगी पैरासिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर। सो दिस इज नॉट एसोसिएटेड द पैरासिंपैथेटिक डिवीजन, या वेगस नर्व यहां इन्वॉल्व नहीं होगी। 35th, repairing of wristwatch and smartphone mainly involve the part of the human brain, cerebral, hypothalamic, cerebellar or hypothalamus. तो ये आप जानते हैं कि अगेन ये बॉडी के अंदर जो precise work with the hand, यानी रिस्ट वॉच को सही करना, स्मार्टफोन को सही करना, इसमें बहुत टेक्निक चाहिए होती है, बॉडी को बैलेंसिंग में लाना होता है, तब जाके हम इतने छोटे पार्ट्स को डील कर सकते हैं। सो द करेक्ट वन इज द cerebellar, यानी cerebellum जो होता है वो बॉडी के पोजिशनिंग कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है। 36th, which one of the following helps to cushion the brain from the shock? CSF, diameter, cranium or diameter? तो जो cushion for the brain जो है वो उसके लिए कोई shock absorber के तौर पे काम करता है वो CSF होता है। बाकी diameter, cranium, diameter ये protection तो दे सकती हैं, लेकिन shock के लिए ये cushion का काम नहीं करती। 37th है, pick up the correct sequence of events during occurring across the nerve cell. जब nerve cell में से कोई भी impulse pass कर रही है तो correct sequence जो है वो कौन सा है? अब देखें करेक्ट सीक्वेंस आपने कैसे ढूंढना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है सबसे पहले, ओके। फिर स्टिमुलस आता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ओके, दैट्स करेक्ट, मैं अल्फा देख रहा हूँ। डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग पोटेंशियल। ये मुझे सही लग रहा है, यस, नीचे वाला करेक्ट नहीं है। तो अल्फा जो है ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस ये, और इसकी डायग्राम मैंने पहले बनाई भी थी, और नीचे क्वेश्चन आ रहा है वहां पर भी हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। उसके बाद अगला सवाल है 38, लेबल द पार्ट इंडिकेटेड बाय वन। ये वन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? वन इंडिकेट कर रहा है क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल को, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल को, या मेम्ब्रेन पोटेंशियल को? तो वन के अंदर हमें स्टिमुलस नजर आ रहा है, सो दैट इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ओके। अब टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब फोर जो है, फोर अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और थ्री क्या है? थ्री जैसे मैंने बताया था कि हाइपर पोलराइजेशन, ये भी आ सकता है क्योंकि ये हाइपर पोलराइज स्टेट में गया है। दूसरा यहाँ पर रिकवरी भी आ सकता है क्योंकि हाइपर पोलराइज से वो दोबारा से पोलराइज स्टेट के अंदर जाएगा। अब देखें ये डीपोलराइजेशन, फिर वापस आ रहा है रीपोलराइजेशन। अब जब रीपोलराइजेशन होती है इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, और जब डीपोलराइजेशन होती है इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ भी आपने जो है वो याद रखनी इन चीज़ों को। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आप जानते हैं ये देखें -70 mV है, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो +50 mV पे चले जाते हैं। 39th है, For every dash potassium that are actively transported inward, dash sodium are pumped out to attain the resting membrane potential across the neuron. तो यहाँ एक चीज का पता चल गया कि resting membrane potential में potassium और sodium की movement होनी है और active movement होनी है, और active movement किस तरह से होनी है, कितने potassium अंदर जाना है और कितने sodium बाहर जाना है। तो हम देखेंगे कि दो potassium जो है वो अंदर आएंगे और तीन sodium बाहर जाएंगे, और जब ये action हो जाएगा तो आप जानते हैं कि outside जो है वो more positive हो जाएगी और inside जो है वो more negative हो जाएगी। और अगर मैं ये कहता हूँ कि outside मोर पॉजिटिव है और इनसाइड मोर नेगेटिव है, तो ये वाला जो पोटेंशियल है दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अगर इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाए, आउटसाइड मोर नेगेटिव हो गए ड्यू टू एंट्री ऑफ द सोडियम आयन इनटू द सेल, तो वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। 14th है, एट द पीक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल the sodium gate starts to be open again, the sodium gate start to be closed again, the potassium gate start to be open again, potassium gate start to be closed again. The correct option isme hai the sodium gate start to be closed again. ab dekhiye yahan pe kaise hota hai, upar ek diagram hai ise hum describe kar lete hain. dekhiye jab depolarization hoti hai to sabse pehle resting membrane potential pe aate hain. resting membrane potential mein kya hota hai, sodium gates jo hote hain ye simply close hote hain, lekin sodium pump kaam kar rahe hain, potassium pump kaam, lekin sodium gate close hai. lekin jaise depolarization hoti hai तो यहाँ पर सोडियम जो गेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो डीपोलराइजेशन होगी। अब ये मैक्सिमम पे पहुंच गए हैं, अब मैक्सिमम से वापस आना यानी रीपोलराइजेशन में आना, तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम गेट्स क्लोज अगेन। क्लोज अगेन क्यों? क्योंकि देखिए पहले भी क्लोज थे और अब फिर से क्लोज हो गए हैं। ये जो वर्ड अगेन आ गया ना, इसकी वजह से सोडियम गेट्स क्लोज अगेन आ गया। अदरवाइज अगेन ना आता तो फिर पोटेशियम गेट ओपन से ही था, लेकिन उसने कहा ओपन अगेन,
तो ओपन अगेन वाले जो पॉइंट है वो गलत है, तो जिस वजह से हमने बीटा को चूज किया है तो सोडियम गेट स्टार्ट टू बी क्लोज अगेन. 41. Which of the following is called efferent neurons? Sensory neuron, motor neuron, interneuron और relay neuron. पहले हमने afferent का कहा था efferent है, तो efferent मैंने बताया था out of the CNS जाएगा तो वो motor neuron होगा. 42. Neurons vary in the following feature except size, attachment, shape or function. Neuron कैसे एक दूसरे से different होते हैं? देखें एक दूसरे से different जो है वो उसमें size भी हो सकता है, अटैचमेंट भी हो सकती है, शेप भी हो सकती है. अभी हमने ऊपर पढ़े तीनों न्यूरॉन, लेकिन फंक्शन सेम है सेंसरी जो है वो न्यूरॉन्स के. मैं न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, सेंसरी मोटर नहीं बात कर रहा. न्यूरॉन का काम होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, चाहे वो सेंसरी है, मोटर है या इंटर है, सब ने नर्व इंपल्स की कंडक्शन करनी है. लेकिन जो साइज है, अब देखें मोटर न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन लंबा होता है, सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्रॉन लंबा होता है. अटैचमेंट रिसेप्टर के साथ सेंसरी की है, मोटर की जो है वो अटैचमेंट होती है अफेक्टर के साथ, तो इस वजह से उनके अंदर वेरिएशन आती है. 43 है several autonomic functions such as breathing, heart rate, blood pressure, swelling or controlled by. अभी ऊपर इसके हम डिस्कशन करके आए हैं कि ये सारी involuntary action जो है वो medulla oblongata control करता है. ब्रेन के फंक्शनिंग बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पार्ट के फंक्शंस का पता होना चाहिए. 44. Neurotransmitter that cause increased membrane permeability to the sodium ion and thus trigger the nerve impulse are said to be inhibitory neurotransmitter, excitatory neurotransmitter, modulatory neurotransmitter और motivatory neurotransmitter. तो आप जानते हैं किसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है जो कि इंक्रीज करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, परमेबिलिटी को सोडियम के लिए, दैट आर द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. आप जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर की दो फॉर्म होती है मेनली जो आपने याद रखनी, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. एक्साइटेटरी कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिटाइल कोलीन जो है ये एक्साइटेटरी है, एपिनेफ्राइन जो है वो एक्साइटेटरी है, नॉर एपिनेफ्राइन एक्साइटेटरी है, डोपामाइन एक्साइटेटरी है, सीरोटोनिन जो है वो एक्साइटेटरी है, ये सारे एक्साइटेटरी. अब इनहिबिटरी कौन से, बहुत कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, स्टैंड्स फॉर गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड. इसी तरह से ग्लाइसिन भी एक एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और एक बहुत कॉमन जो है वो एंडोर्फिन जो कि एक पेन किलर भी है, और पेन किलर इसीलिए वो इनहिबिट कर देते हैं चेंजेस को जिसकी वजह से हमें जो पेन है उसका एहसास नहीं होता, तो इसके अंदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा. 45 है गैंग्लिया और द कंसंट्रेशन ऑफ गैंग्लिया. किस चीज की कंसंट्रेशन, एक्सॉन की, डेंड्राइट्स की, शिवान सेल्स की और सोमास की. तो इसमें करेक्ट है सोमास, जानते हैं कि सोमा जो वर्ड यूज किया जाता है वो सेल बॉडीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है, सेल बॉडीज. तो यहाँ दो चीजें यूज होती है, गैंग्लिया सेल. अब एक वर्ड यूज होता है नर्व, तो नर्व जो है इसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन्स इसकी कलेक्शन को हम नर्व्स कहते हैं या डेंड्राइट्स. तो यहाँ जो गैंग्लिया है वो सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन को कहेंगे. 46 है व्हिच पार्ट ऑफ द पीएनएस इज एक्टिव व्हेन द मैमल्स आर रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग. ऊपर बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसके लिए वर्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट यूज होता है, या एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं रेस्ट एंड रिमिनेशन, ये वर्ड भी यूज हो सकता है, या इसको हम रिकवरी स्टेट भी कहते हैं, रिकवरी स्टेट फ्रॉम द फाइट एंड फ्लाइट फिनोमेना, क्योंकि सिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर फाइट और फ्लाइट फिनोमेना जो है वो होता है. 47 है पिक अप द करेक्ट वन, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर सेंसरी, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मोटर, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, ऑल क्रेनी नर्व्स आर मिक्स्ड. तो याद रखना है यहां पर जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, और मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 होते हैं पेयर्स, 31 पेयर्स, यानी टोटल अगर पूछा जाएगा तो ये 62 होंगी. और इसकी चार कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये अराइज होती हैं. एक इसमें हम कहते हैं सर्विकल, सर्विकल का मैंने बताया 8 होती हैं. उसके बाद आ जाता है थोरेसिस, थोरेसिस पार्ट से, थोरेक्स पार्ट से राइज होती है 12 है. उसके बाद एब्डोमिनल पार्ट के स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है, या इसको लंबर वर्ड यूज करते हैं, ये 5 होती हैं. उसके बाद आ जाती है सेक्रल, जो कि सेक्रल पार्ट से राइज होती है, जो कि 5 है. और उसके बाद है बिल्कुल आखिरी जिसको हम कॉक्सोजियल कहते हैं, वहां सिर्फ 1 होती है. तो ये 31 जो है वो पेयर्स यहाँ सर्विकल जो उसके अंदर सॉरी स्पाइनल नर्व्स के बन जाएंगे, तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो भी आपने याद रखनी. 48 The speed of conduction of nerve impulse is decreased by the myelin sheath, increased by the myelin sheath, affected by the myelin sheath, or not affected by the myelin sheath.
तो देखें जो माइलिन जो है वो स्पीड को इंक्रीज कर देती है, इसी वजह से जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं वहां इंपल्स की स्पीड तेज होती है। और आपने देखा है कि मैक्सिमम अगर आप स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 120 मीटर पर सेकेंड में भी जाती है, जो कि सॉल्टेटरी नर्व जिसको हम कहते हैं। 49 साइन द केमिकल साइनैप्स साइनैप्टिक क्लेफ्ट हैज गैप ऑफ 0.1 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर और 30 नैनोमीटर। अगर तो केमिकल साइनैप्स है तो जो वहां पर गैप होगा वो 20 नैनोमीटर होगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है तो इलेक्ट्रिकल साइनैप में गैप बहुत थोड़ा होता है, दैट इज 0.2 नैनोमीटर। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनैप के अंदर डिफरेंस इसमें गैप का कम है, और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं इसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी, रैपिड इंपल्स यहाँ पे पास करेगी। केमिकल में क्योंकि डिले आ जाता है, क्योंकि केमिकल जैसे बनेंगे वो डिलेइंग फैक्टर का आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के अंदर डिले नहीं है। तो मोस्टली जब आप रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं या जितनी भी रिफ्लेक्सेस होती हैं उसके दौरान इलेक्ट्रिकल साइनैप्स काम करते हैं बॉडी के अंदर। लास्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज कंपाउंड जनरेट ए फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड इनहिबिट द सेंसेशन ऑफ पेन, मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन और एडिनलिन। तो हमने उसके ऊपर पढ़ा कि जो पेन किलर है वो एंडोर्फिन है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये पेन की सेंसेशन को इनहिबिट करता है। तो ये हमारे पास जो है वो आज की डिस्कशन के क्वेश्चन थे। यहां तक अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं।